एक दिन एक डेट पे तीन पर जी हाँ हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजा ऑफिशियल आवर योर चैनल कैसे हो आप लोग आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे बेल बैलाइकन से प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए आज के वीडियो में बताने वाली हूँ जी हाँ एक डेट एक तारीख एक दिन तीन पर जी हाँ सुन के थोड़ा अनोखा लगेगा लेकिन आइए एक एक करके मैं आप लोग को बताती हूँ जी हाँ अट्ठाईस अक्टूबर अट्ठाईस अक्टूबर को पूर्णिमा है और इस दिन जो है वो तीन पर्व मनाया जाता है कहाँ कहाँ कौन सा पर्व मनाया जाता है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ तो आइए सबसे पहले मिथिला से शुरुआत करते हैं जी हाँ मिथिला में कोजगरा मनाया जाता है और ये कोजगरा जो है वो नवविवाहित जेंस जी हाँ विवाहित पुरुषों के लिए होता है जिनकी पहली शादी हुई है इस साल शादी हुई है जी हाँ उनके ससुराल से बाहर आता है बाहर में पान मखान आ, आ, सारे जो फैमिली मेम्बर है सबके लिए कपड़ा और इस दिन रात में जी हाँ सत्यनारायण भगवान का कथा होता है और देवर अपनी भाभी के साथ पचीसी खेलते हैं आंगन में बैठ के और जो है वो चुमाया जाता है जी हाँ मिथिला में ये रिचुअल बहुत अच्छा लगता है कोई भी पर्व कुछ भी रिचुअल हो तो उसमें दुल्हा दुल्हन को चुमाया जाता है मुंडन हो तो बच्चे को चुमाया जाता है तो ये चीज़ अच्छा लगता है और उस दिन जी हाँ पान खाने की बहुत ही ज़्यादा पान खाना नियम होता है उस दिन रात में लोग पान खाते हैं हाथ में पैसा लेते हैं और पान मखान बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है उस दिन जी हाँ जगरा के रोज़ चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जी हाँ कोजी लक्ष्मी ये जो है बांग्लादेश में मनाया जाता है जी हाँ बंगा बंगाली लोग जो है इसी दिन से माँ लक्ष्मी की पूजा जी हाँ पूजा करती हैं वो लोग दिवाली इस दिन को मनाती हैं दिवाली और उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँ जी हाँ शरद पूर्णिमा इसी दिन मनाई जाती है और इस दिन सारे जगह जी हाँ स्नान दान किया जाता है और रात में जो है खीर बनाया जाता है उस खीर को जो है ओस सीत में रखा जाता है और सुबह में जी हाँ सारे बच्चे को खिलाया जाता है तो इस दिन ये तीन पर्व एक साथ मनाया जाता है तो कैसा लगा आप सभी सभी को हमारा ये इंफॉर्मेशन प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो जी हाँ एक बार फिर से मैं बता देती हूँ दो में कोजी लक्ष्मी कब है जी हाँ अट्ठाईस अक्टूबर दो को है और उसी दिन जी हाँ अट्ठाईस अक्टूबर 2023 को को झगड़ा भी है और शरद पूर्णिमा जिसको कहते हैं वो भी 28 अक्टूबर 2023 को है तो आप अपने अकॉर्डिंग जी हाँ जो भी पर्व मनाती हैं वो आप मना सकती हैं तो कैसा लगा हमारा ये छोटा सा वीडियो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप सपोर्ट